हेलो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर आज इस सेशन के अंदर बच्चों हम एंटोनियम्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम वो कैप की सीरीज़ को कंटिन्यू रखो आप वो कैप की चीज़ें कराते रहो क्योंकि सबसे ज़्यादा वीक बच्चों का जो पॉइंट है वो उसका वोकेबलरी है और इन एग्ज़ाम्स में वो के क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है ठीके? अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन कोई स्टूडेंट रूट वर्ड से वर्ड को याद कर रहा है तो आप भी रूट वर्ड से याद करो ठीक है या कोई टीचर रूट वर्ड से पढ़ा रहा है तो मैं भी रूट वर्ड से पढ़ाऊँ मैथ नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को अगर हम आसपास की चीज़ों को साथ कनेक्ट करके वर्ड को याद करने की कोशिश करें तो वो इसलिए याद हो जाता है तो मैं क्यों इतना डिफ़िकल्ट वे यूज़ करूँ लर्न करने का यूज़ करूँ तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती मैं चीज़ों को कनेक्ट कर कर याद करने की कोशिश करती हूँ और चीज़ें बहुत जल्दी से याद भी होती है और हमेशा याद भी रहती है क्योंकि जैसे ही मैं वर्ड को देखती हूँ मेरे माइंड में अपने आप क्लिक कर जाता है फैब्रिकेट मैंने आपको एक वर्ड कराया था सिनोनियम एंटोनियम्स वाले उसमें सीरीज में कराया था तो मैंने आपको बोला था मैं जब भी फैब्रिकेट वर्ड याद करती हूँ तो मुझे एकदम से फैब्रिक वर्ड याद आ जाता है और फैब्रिक जैसे ही वर्ड आता है तो मेरे माइंड में अपने आप आता है मैं कुछ खरीदने जाता हूँ मैं उससे पूछूँ फैब्रिक कैसा है तो मतलब उसको बनाने के लिए फैब्रिक किस तरह का यूज़ है तो बनाना का मतलब होता है फिर मेरे अपने आप सिनोनिम की लिस्ट खुल जाती है प्रोड्यूस कंस्ट्रक्ट बिल्ड मैनिपुलेट और जब इसकी सिनोनियम आते हैं तो एंटोनियम्स भी आ जाएंगे चीज़ें बनी हैं तो ख़त्म होंगी डिमोलिश होंगी बनी है तो खत्म होंगी डिस्ट्रॉय होंगी बनी है तो खत्म होगी डिसमेंटल होगी तो उसके अपने आप एंटोनियम्स भी अपने आप माइंड में आना शुरू हो जाते हैं तो आप कोशिश करो उस तरह से याद करने की जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे जरूरी नहीं है कि कोई किसी काम को जिस तरह से कर रहा है तो आप भी उसे उसी तरह से करो आपको जो बेस्ट लगता है जिससे आप चीजों को कर सकते हो आप उस तरीके को चुनो ठीक है जरूरी भेड़ चाल की तरह एक ही उसमें चलना लाइन में जो आपके लिए बेस्ट हो जो आपको समझ में आए आप उस तरीकों को अपनाएं ठीक है ठेके? देखो आज हम करेंगे कुछ इंटनियम्स के क्वेश्चन मैं आपको उसी ट्रिक, ट्रिक के साथ समझाऊंगी इंटनियम्स के क्वेश्चन ऐसे सी एमटीएस का क्वेश्चन है दो दस दो हजार इक्कीस का पार्टनर जो आपके साथ पार्ट ले पार्ट ले मतलब जो आपके साथ सहयोग ले आपको सहयोग करे किसी भी काम में तो वही आपका सहयोगी होगा अब जो सहयोगी है आपको क्या कर रहा है सहयोग कर रहा है यानी कि आपके साथ क्या कर रहा है पार्टिसिपेंट बना हुआ है सहयोगी बना हुआ है वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है वो आपको एसोसिएट करने की भी कोशिश कर रहा है यानी कि एसोसिएशन का काम होता है जो कंपेनियन होते हैं जो आपके सगे संबंधी यानी कि जो आपके संगी होते हैं जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हमारा एसोसिएट तो हम बात कर रहे हैं एंटोनियम की एंटोनियम होता है पार्टनर के पार्टनर का एंटोनियम क्या होगा जो उसके साथ ना खड़े होके जो उसके अपोजिट साइड में खड़ा है अपोजिट साइड में खड़ा है यानी कि वो उसका ओपोनेंट है और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बन जाएगा ठीक है बिकॉज ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड है जो इसके सेनोनियम फॉर्म में है और हमसे पूछा क्या है एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम में हम लिखेंगे हम ओपोनेंट चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एम का अगेन पांच दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया क्वेश्चन है नैरो बोलते ना आजकल बहुत यूज होता है तुम बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो नैरो माइंडेड मतलब जो बहुत छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं हम नैरो माइंडेड तो नैरो का मतलब होता है छोटी सोच यानी कि कम गुंजाइश है चीजों की कम है चीजें कैसी है टाइट है synonym. ठीक है फर्म होता है बच्चों जब चीजों को लेकर आप डिसाइडेड होते हैं वेन यू आर डिसाइडेड फॉर स्टेबल किसी भी चीज को लेकर डिसाइडेड होना दैट इज फर्म सॉलिड जो चीज ठोस होती है तो यहाँ पर नैरो का एंटोनियम होगा वाइड जो चीज फैली हुई है ठीक है तो नैरो का मतलब सिकुड़ा होना होता है और वाइट का मतलब फैला हुआ होना तो यहाँ पर एंटोनियम पूछा है तो इसलिए वाइट होगा चलेगा नेक्स्ट आते हैं स्टेबल काम करना हार्डवर्क करना और एक पोजीशन पर आना पोजीशन पर आने के बाद पोजीशन पर स्टेबल रहना सबसे मुश्किल है टॉप पर आने से ज़्यादा मुश्किल है उस टॉप पर स्टेबल रहना समझ गए पॉइंट को यानी कि आप जब हार्डवर्क से चीज़ों को अचीव करते हो तो उस एचीव करी हुई चीज़ों को रखे रखना ये सबसे ज्यादा कठिन काम होता है यानी कि स्टेबल मेंटेन करना किसी चीज को मेंटेन करके रखना अब हमें इसका पूछा है एंटोनियम हमसे क्या पूछा है एंटोनियम अब स्टेबल मेंटेन करके आपने उसको अपने पास क्या कर लिया है कर लिया है ठीक है वो आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी स्लो एंड स्टडी विन द रेस चीजों को धीरे करो बट रेगुलर करो ये वही रेगुलर है चीजों को धीरे करो बट कैसा करो रेगुलर करो लगातार करो तो लाइफ में आप सक्सेसफुल हो ही जाते हैं अगर हम बात करें स्टाउट की तो बच्चों, इसका मतलब होता है जो चीज आपकी कैसी है स्ट्रॉन्ग है जो चीज आपकी कैसी है रॉबर्स है रॉबर्ट कैसे होते हैं स्ट्रोंग रॉबर्ट वर्ड रॉबर्ट वर्ड से रॉबर्ट मूवी देखी होंगी ना रॉबर्ट मूवी तो रॉबर्ट में क्या था वो रॉबर्स था यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि जिसने बनाया बाद में वो भी उसको मिटा नहीं पाया उसे भी मार नहीं पाया था तो उसी को बोलते हैं हमारा रॉबर्स वही होता है हमारा स्टाउट तो जो चीजें स्टेबल हैं तो स्टेबल चीजें डेफिनेटली हिलेंगी तो अपोजिट में क्या आएगा शेकिंग शेकिंग का मतलब होता है जब चीजें कप कपाती है जब हिलती है चलेगा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आपके एमचेस का है जो छह दस दो में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लेम दुनिया में सबसे आसान काम है हर गलती के लिए दूसरे को ब्लेम कर दो मैंने नहीं ये दूसरे ने करा इस काम को सबसे इजी काम होता है किसी को अपना टारगेट बना लो मैंने एक वर्ड करवाया था आपको ब्लामिश और ब्लामिश वर्ड में मैंने आपको बोला था कि आप इसको ब्लेम से याद करेंगे जब भी आप बात करते हैं फॉल्ट की स्टेन की स्टेगमा मैंने आपको ये वर्ड्स याद करवाए थे ब्लामिश और वहीं पे मैंने आपको ब्लेम वर्ड से ही याद करवाए थे ठीक है तो अब पूछा हुआ यहाँ पे ब्लेम ब्लेम मतलब होता है कि जब हम किसी को गलत ठहराते हैं ठीक है ठेके? गलत ठहरा रहे क्यों है भाई हमने उसमें चीजों को गलत देखा तो गलत ठहरा दिया ठीक है अब अच्छा पॉइंट तो नहीं है पॉजिटिव तो नहीं है गलत ठहरा रहे हो डेफिनेटली उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो अब शाउट समझते हो ना चिल्लाना किसी पे ठीक है और अगर मैं बात करूं बुक किसी की निंदा करना ठीक है तो बसता क्या है हमेशा अपोजिट प्रेज तो अगर आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके क्या कर रहे हो प्रशंसा कर रहे हो क्या कर रहे हो उसकी प्रशंसा कर रहे हो क्योंकि अगर आप किसी को गलत नहीं बोल रहे हो तो डेफिनेटली उसकी तारीफ तो करोगे ना तो एंटोनियम्स क्या होगा इसका प्रेज किसी की भी प्रशंसा करना ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है बच्चों जो 6 10 2000 इक्कीस में पूछा गया छह दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिडिकुलस कैसी होती होती बेतुकी है, बे है जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता इजिकल बोलते कैसी बातें करते हो तुम इॉजिकल इनमें कोई तुक है रिडिकुलस बातें मत किया करो बेतुकी बातें मेरे साथ मत किया करो और बेतुकी बातें यानी कि जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते जो वर्दी नहीं होती ठीक है इनक्रेडिबल मतलब जैसे हमारा इंडिया कैसा है इनक्रेडिबल जिसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता अतुल्य भारत ठीक है जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती तो हम कैंटोनियम्स में इन तीनों में से कोई भी यूज नहीं करेंगे तो एक ही बचता दैट इज रीजनेबल तो वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ठीक चले है चलेगा नेक्स्ट आते हैं एम का क्वेश्चन है छह दस दो का फिल्म सी फिलिमसी को फिल्म से याद रखेंगे किससे याद रखेंगे फिल्म फिल्म देखते हो ना फिल्म कैसी होती है ट्रांसपेरेंट आपको हर एक चीज़ से अवेयर कराती है हर चीज़ को दिखाती है तो फिलिमसी वर्ड को आप फिल्म से याद रखेंगे जो चीज़ आपको चीज़ों को क्लियर करे जो चीज़ आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाए ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जो चीज़ आपको हर चीज़ को क्लियर करे और जो हर चीज़ को क्लियर करेगी वो बड़ी ही नाजुक होगी ब्रिटल फॉर्म में होगी बहुत नाजुक होगी बहुत जल्दी से टूट जाएगी यानी कि वो चीज वीक होगी क्लम्सी का मतलब होता है जो चीज टैलेंटलेस होती है जो चीज टैलेंट टैलेंटलेस होती है जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है आर्ट नहीं है क्लम्सी का मतलब होता है टैलेंटलेस या आर्टलेस टेनी मतलब होता है जो छोटा आपने देखा होगा लेस कोई भी चीज जो लेस होती है कम होती है वीक मतलब कमजोर बट फिलिमसी का एंटोनियम पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे स्ट्रोंग क्योंकि फिलिमसी मतलब होता है जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी पारदर्शी होगी वो जल्दी टूट जाती है ठीक है क्योंकि जितनी रिलेशन में भी होता है जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है वो चीजें जल्दी ही चीजें खत्म होती हैं ठीक है कोशिश करते हो आप करने की तो वो खत्म होती है तो वीक तो वीक का एंटोनियम क्या होगा स्ट्रोंग ठीक है ये एम का क्वेश्चन है छः दस दो का नेक्स्ट आते हैं डिफेंस डिफेंस का एक ही काम होता है हमें प्रोटेक्ट करना वहीं से डिफेंस वर्ड को याद रखेंगे डिफेंस का मतलब होता है जो हमारी रक्षा करे जैसे आपकी डिफेंस क्या करती है आपकी रक्षा करती है रक्षा करती है आपकी प्रोटेक्शन करती है सिक्योरिटी करती है गार्ड का भी वही काम होता है तो दे ऑल सिनियम दे ऑल आर सिनियम दोनों तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो बसता एक ही वर्ड है दैट इज ऑफेंस ऑफेंस का मतलब होता है अपराध ऑफेंस का मतलब होता है आपका अपराध अपराध जब आप कोई गलत काम करते हो तो उसको बोलते हैं हमारा ऑफेंस ठीक है दैट इज अपराध ऑफेंसर जो होते हैं हमारे तो अपराध ध्यान रखेंगे इसको ठीक है चलेगा नेक्स्ट आते हैं हमारे इस पे एमचेस का ही क्वेश्चन है 6 दस दो हजार इक्कीस का नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हर कहानी का एंड होता है हर कहानी का एंड होता है हर चीज़ का एंड होता है हर मूवी का एंड होता है हर सीरियल का एंड होता है एंड कब होगा पहले चीज़ें शुरू होंगी तभी तो एंड होगा यानी कि हम आरंभ की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट क्या होगा चीज़ों की शुरुआत चीज़ें शुरू होना और शुरू होंगी तभी उसका क्या होगा एंड शो जो चल रहा है बस चीज़ें शुरू ही एंड तक उसके बीच में शो है उसका हाइड मतलब होता है चीज़ों को छुपना और क्लोज मतलब जब चीजें बंद हो जाती हैं ठीक है चिके? तो एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम क्या होगा स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन एमटीएस का ही है जो सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है सात दस दो हजार इक्कीस में कंफर्म बोलो बोलते ना मेरे से एक बार कंफर्म कर लिया करो चीजों को मेरे से अप्रूवल ले लिया करो सेंशन ले लिया करो परमिशन ले लिया करो मैं परमिट करूँ तो चीजों को करो मैं सेंशन दू मैं आपको अप्रूवल दूं यानी कि चीजों को अलाउ करूं तो अलाउ करने के लिए कहीं ना कहीं आप क्या हो गए ठीक है ठीके? तो ये आपके सनौनियम फॉर्म में होंगे कन्फर्म के कि आप कन्फर्म तभी करोगे जब आप चीजों से क्या हो एग्री हो कन्फर्म तभी करोगे जब आपने चीजों को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया है अब ओपन होगा नहीं ओपन का कोई सेंस नहीं है कन्फर्म से चीजें ओपन है डेफिनेटली एग्री हो तभी एक्सेप्ट करा तो बचा क्या है रिजेक्ट कि चीजों को रिजेक्ट करना क्योंकि अगर आपने चीजों को कंफर्म नहीं किया तो उनको क्या किया होगा रिजेक्ट किया होगा ये क्वेश्चन भी एम का ही है जो सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया क्वेश्चन है एम का नेक्स्ट आते प्रोटेक्ट किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज़ की रक्षा करना किसी भी चीज़ की रक्षा करना ये क्वेश्चन आपके एम का है जो सात दस दो हज़ार इक्कीस में पूछा गया है प्रोटेक्ट होता है जब आप चीज़ों को अभी हमने एक वर्ड करा था डिफेंस का काम है हमारी रक्षा करना हमारी सिक्योरिटी करना हमारी प्रोटेक्शन करना तो वहीं से प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट वर्ड आया है और प्रोटेक्ट में कोई आपको क्या कर रहा है सिक्योर कर रहा है कोई आपको कीप करने की कोशिश कर रहा है आपको क्या कर रहा है कवर करने की कोशिश कर रहा है तो दे ऑल आर एज अ अनोनियम्स ये सब आपके क्या है सिनोनियम्स बट हमसे पूछा क्या है बच्चों एंटोनियम तो प्रोटेक्ट का एंटोनियम होता है हार्म जब आप किसी को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो ये क्वेश्चन भी एमचीएस का ही है 2021 का तो प्रोटेक्ट का एंटोनियम जो होगा वो हार्म होगा क्योंकि ये तीनों आपके कहीं ना कहीं सिनोनियम फॉर्म में यूज होंगे कवर कर रहे हो आप चीजों को यानी कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हो कीप करने की कोशिश कर रहे हो बना के रखने की कोशिश कर रहे हो या सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो बट आपसे पूछा गया है एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम इसीलिए होगा आपका हार्म देखो सिंपल सा पॉइंट है बच्चों चीज़ों को कनेक्ट करो कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करो जितना कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करोगे चीज़ें उतने ही लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी और सबसे बेस्ट तरीका होता है वर्ड्स को लर्न करने का भी यही ठीक है और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एस एस बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें उसका रीज़न ये है ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं आप लाइव क्लासेस को भी अटेंड करो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके प्लस अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी किया करो आप बच्चे और जो भी रिक्वायरमेंट होती है जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ तो आप उससे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो तो डेफ़िनेटली मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और आपके साथ बुलेट चैनल ऐसे ऐसे बुलेट चैनल हमेशा खड़ा है हमेशा खड़ा रहेगा और हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगा हर चीज़ आपको देगा जो भी आपकी बेस्ट से बेस्ट होगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छे स्कोर के साथ रैंक के साथ आप ताकि अच्छा रैंक लेकर आए ठीक है रैंक इन फाइल मैं हमेशा कहती हूँ रैंक आप ही जैसे बच्चे लेकर आते हैं वो कॉमन मैन ही होते हैं जो रैंक लेकर आते हैं ठीक है तो आपने डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में बढ़ना क्या है तो उसके लिए कुछ नई दो चीजों की रिक्वायरमेंट है चीज़ों को रेगुलर करो एक डेडिकेशन के साथ करो तो सेलेक्शन एक डेडिकेटेड स्टूडेंट ही लेकर आता है एक सही अप्रोच के साथ एक सही तरीके से अगर आप करो ना काम तैयारी करो तो आप सिलेक्शन ईजिली ले सकते हो ठीक है सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आप इजिली सिलेक्शन ले सकते हो सो डेली बेसिस पे क्लासेस लिया करो एस एस बुलेट चैनल पे हर क्लासेस अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए भी ग्रामर पार्ट के लिए भी प्लस वो के लिए भी ठीक है और अगर आप बच्चे डेली एन में ही रहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं हमारी ठीक है तो वो ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर के अंदर ही है मिलती हैं जिसमें और जो नाम है कोचिंग का वो इंग्लिश बाय शिवानी सोलिन के नाम से है तो आप चाहो तो ऑफलाइन क्लासेस अगर डेली एन में ही रहते हो तो आप वहाँ पर मुखर्जी नगर में ले सकते हो ठीक है सो तो आज के लिए इतना रखें बाकी करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ ठीक है सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन